हेलो दोस्तों, माय स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों से सवाल पूछा था लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस सवाल का सही जवाब देगा भुवनेश्वर में। और इस सवाल का सही जवाब दिया जय श्री कुलकर्णी, सरिता मिश्रा, सुनीता मिश्रा, आदर्श मिश्रा, इन्होंने जो इस सवाल का सही जवाब दिया। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पहला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब अगर आप लोग सही कमेंट करके बताएंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। सही जवाब देगा तमिलनाडु राज्य का। सवाल नंबर दो, ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है अवॉइड करिएगा। सही जवाब देगा साहित्य के क्षेत्र में। सवाल नंबर तीन, सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस किस देश में है? सही जवाब देगा भारत देश में। सवाल नंबर चार, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है? आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सही जवाब देगा भारत, भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सवाल नंबर पाँच, फलों की डलिया किस राज्य को कहते हैं? सही जवाब देगा हिमाचल प्रदेश को। सवाल नंबर छह, खड़ी बोली का जनक कौन था? सही जवाब देगा आमिर खुसरो। सवाल नंबर सात, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? सही जवाब देगा राष्ट्रपति। सवाल नंबर आठ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब देगा दयानंद सरस्वती ने। सवाल नंबर नौ, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? सही जवाब देगा हिटलर ने। सवाल नंबर दस, चिल्का झील कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा उड़ीसा राज्य में। सवाल नंबर 11, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? सही जवाब देगा प्रशांत महासागर। सवाल नंबर 12, हम्पी कहाँ स्थित है? सही जवाब कर्नाटक में। सवाल नंबर 13, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 15 मार्च 1950 को। सवाल नंबर 14, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सही जवाब देगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सवाल नंबर 15, सबसे जहरीला सांप कौन सा है? सही जवाब देगा किंग कोबरा। सवाल नंबर 16, पीली नदी किस देश में स्थित है?
सी जवाब देगा चीन देश में। सवाल नंबर 17, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब देगा बाबर। सवाल नंबर 18, कूलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब देगा शीतल यंत्र। सवाल नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा कनाडा में। सवाल नंबर 20, सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? सही जवाब देगा फ्रांस। सवाल में किस भारतीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? सही जवाब देगा चैत्र। सवाल नंबर 22, सांभर झील कहाँ स्थित है? सही जवाब देगा राजस्थान राज्य में। सवाल नंबर 23, किस रंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? सही जवाब देगा लाल रंग से। सवाल नंबर 24, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? सही जवाब देगा मोहम्मद शाह को। सवाल नंबर 25, अवध का विलय कब हुआ था? सही जवाब 1856 में। सवाल नंबर 26, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? सही जवाब देगा बिश्रु शर्मा। सवाल नंबर 27, लोकसभा का प्रमुख नेता कौन होता है? सही जवाब प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 28, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? सही जवाब देगा कालिदास को। सवाल नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? सही जवाब देगा गोल गुंबज। सवाल नंबर 30, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? सही जवाब देगा कन्नौज को। सवाल नंबर 31, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही जवाब केरल। सवाल नंबर 32, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब देगा सुभाष चंद्र बोस ने। सवाल नंबर 33, पर्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
सही जवाब का बटुआ। सवाल नंबर 3, जापान की संसद का क्या नाम है? सही जवाब का डायट। सवाल नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो भी सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। सवाल नंबर 36, सुबह में 4 पैरों पर रहता है, दोपहर में 2 पैरों पर रहता है, शाम को 3 पैरों पर रहता है, बताओ वह क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपको इसका जवाब पता तो अपना जवाब जरूर कमेंट करके बताएं, और मेरे जवाब से अलग भी कोई जवाब आपको पता तो वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब देगा बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सवाल नंबर 37, नदियों का देश किसे कहते हैं? सही जवाब देगा बांग्लादेश को। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।